हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं ड्रामा टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल पर फिंगरप्रिंट का लॉक रखना चाह रहे हो दोस्तों। और आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग पर आते हो और आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको यहाँ पर देखने को, तो आपको यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपल इसे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये दोस्तों कि किस तरह से आप यहाँ पर जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर जो है आप यहाँ पर स्मार्टफोन पर अपना जो है फिंगरप्रिंट का लॉक जो ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली से हम यहाँ पर देखिए अपना सेटिंग को ओपन करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देखें सेटिंग को ओपन करके हम यहाँ पर जैसे फिंगरप्रिंट सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए दोनों सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सिंपली से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल से जो है गायब हो चुका है, यह जो सॉफ्टवेयर जो है डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो इसको फिर से आप यहाँ पर कैसे डाउनलोड कर सकेंगे एंड किस तरह से आप यहाँ पर अपने स्मार्टफोन पर आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट को आप यहाँ पर कैसे रख सकेंगे एंड किस तरह से दोस्तों आप इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरह से आप यहां पर डाउनलोड करके आप अपना जो है स्मार्टफोन पर फिंगरप्रिंट का लॉक रख सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहां पर देखें सेटिंग पर आ चुके हैं और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देख लेना है कि आपके मोबाइल फोन पर जो सिस्टम अपडेट आया हुआ है कि नहीं। और अगर दोस्तों आपका यहां पर देखें सिस्टम अपडेट आया है तो सिंपली से आप इसको इस तरह से जो अपडेट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इसको अपडेट कर लेते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर जो अपने डिवाइस पर अपने मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर जो अपना फिंगरप्रिंट का लॉक जो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मेरा यहाँ पर देखिए फन टच ओएस, आपको यहाँ पर देखिए इस वर्जन को अगर आप यहाँ पर डाउनलोड नहीं किए, ये अपडेट अगर आप यहाँ पर नहीं दिए हो तो सिंपली से आप इसको इस तरह से अपडेट कर ले। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर जो इस तरह का अपडेट आया हुआ है दोस्तों, तो सिंपली से आप यहाँ पर इस तरह के अपडेट को पूरी तरह से कम्प्लीट कर लेंगे। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड कर लेते हैं अपडेट को, आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल फोन जो इस तरह से स्विच अप हो जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 मिनट के अंदर अंदर जो आपका मोबाइल फिर से रिस्टार्टिंग लेता है। एंड इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर फिर से अगर आप यहाँ पर सेटिंग पर आते हो और उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट को सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों इस तरह से फिंगरप्रिंट सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका एड फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन जो है आ चुका है। यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर जो एड फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक कर लेंगे। एंड जैसे दोस्तों आप यहां पर अपना सेंसर पर उंगली रखेंगे दोस्तों, आपको यहां पर देखिए इस तरह से फिंगरप्रिंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप यहां पर जो इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने के बाद दोस्तों आप यहां पर जो इस तरह से फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है अपना फिंगरप्रिंट लॉक को अपने डिवाइस पर इनेबल कर सकते हैं एंड किस तरह से दोस्तों अगर आपके यहाँ पर मोबाइल फोन पर फिंगरप्रिंट का लॉक जो इनेबल नहीं हो रहा है, आपका जो इस तरह से फिंगरप्रिंट का सॉफ्टवेयर जो उड़ चुका है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड किस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल ड्रामा टेक को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आपको यहाँ पर डेली मिल सके और आप जो यहाँ पर से बहुत कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।